तो हेलो गाइस, आ गया हूँ नया वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को अपने गूगल मैप पे 360 डिग्री वाला फ़ोटो कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अपलोड करते हैं अपने लोकेशन पे, ये बताने वाला हूँ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आप आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो अब हमें अपने 360 फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं गूगल प्ले स्टोर पर जाता हूँ, और जाने के बाद आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे गूगल स्ट्रीट व्यू इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये गूगल का ऐप है, आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ से मैं सीधा अब ओपन करता हूँ। तो यहाँ उस ऐप पर जाता हूँ और इस ऐप को क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जब आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे या तो ओपन करेंगे। तो आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको 3 लाइन पे जाना है, और 3 लाइन पे जाने के बाद यहाँ से आपको अपना वो ईमेल सेलेक्ट कर लेनी है जिस ईमेल से आपको अपना 360 डिग्री वाला फ़ोटो अपलोड करनी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कॉर्नर पर आपको कैमरा का निशान दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे है जो एक्सटर्नल आपके पास कैमरा अगर होगा तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, वहाँ से अटैच करके यहाँ पे क्लिक करके अपना 360 फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में 360 ऑलरेडी फ़ोटो हैं गैलरी में तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में कुछ भी फ़ोटो नहीं है, अपने मोबाइल से ही कैप्चर करना चाहते हैं फ़ोटो, तो यहाँ से आपको टैग फ़ोटो पर क्लिक करनी है और फिर यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यूअर GPS लोकेशन विल बी यूज्ड टू गूगल यूअर 360 फोटो, यू कैन एडजस्ट दिस इन सेटिंग। तो उसके बाद ओके कर देनी है। तो यहाँ पे ओके करने के बाद मैं बाहर चलता हूँ और आपको क्या करना है दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने रूम से बाहर आ चुका हूँ, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा और येलो कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा। तो इस येलो कलर के डॉट को सर्कल से मिलान करनी है। तो चारों तरफ से घुमा के मैं पहले मिलान कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो व्यू है 360 वो कंप्लीट हो चुका है, और नीचे में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का राइट का निशान दिख रहा है। तो इस पर हमें पहले क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो है यहाँ से अपलोड हो रहा है। अब चलिए मैं अपने रूम में जाता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो 360 फ़ोटो है वो अपलोड हो चुका है, अपलोड कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फ़ोटो पर सिंपली क्लिक करना है एक बार, और क्लिक करते जैसे ही यहाँ पे राइट लग जाएगा। तो राइट पे आप देख सकते हैं, लगने के बाद आप देख सकते हैं 1 रेडी टू पब्लिश लिखा हुआ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एरो का निशान ऊपर तरफ दिखाई देगा, तो यहाँ पे पब्लिश करने के लिए क्लिक करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड एनी वे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करते हैं और हम थोड़ा वेट करते हैं। ये जो देख सकते हैं आप परसेंटेज चल रहा है वो 100% होगा, वहाँ तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पब्लिश है वो 100% हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट फ़ोटो एंड वीडियोस। तो यहाँ पे नो मतलब कि यस करेंगे तो फ़ोटो फिर डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें डिलीट नहीं करना है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देनी है। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा जो फ़ोटो है वो अपलोड हो चुका है। अब चाहें तो आप अपने एड्रेस के हिसाब से, जो एड्रेस आप मतलब कि लोकेशन सेलेक्ट किए रहेंगे उसी लोकेशन पे सर्च करने पे वो फ़ोटो आपको दिखाई देगा। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।